वर्ण। गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स, आज अपन पढ़ेंगे वर्णमाला। तो बुक में तो अपन ने पढ़ा था कि वर्ण किसे कहते हैं, तो वर्ण यहाँ पे अपन देखेंगे। पहले देखेंगे अपन वर्णमाला, आज अपन बोर्ड पे पढ़ेंगे इसको वर्णमाला। वर्णों के समूह को क्या बोलते हैं, वर्णों या अक्षरों को, अक्षरों के समूह को वर्णमाला। अब वर्णमाला है, अब सबसे पहले बात कराती है वर्ण, शैली वर्ण। अपन लिखेंगे भाषा की वह छोटी इकाई, भाषा की वह छोटी इकाई जिसके और टुकड़े न किए जा सके। उसे क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं, उसे वर्ण कहते हैं। फिर ये वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो वर्ण के हो जाएंगे तीन प्रकार। कितने प्रकार है, तीन प्रकार। कौन से हैं, पहला हो जाता है स्वर, दूसरा हो जाता है व्यंजन, तीसरा हो जाएगा अयोग। स्वर तो कितने होते हैं, 13 होते हैं, कितने होते हैं, 13 होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं, 33 होते हैं। और अयोग कितने होते हैं, 2 होते हैं। जो कौन से होते हैं, अंग और अह। अंग को बोलते हैं अनुस्वर, तो स्वर कितने होते हैं, 13 होते हैं। अ से लेकर आउटर, अ आ ई उ री और री बड़ी री एक मात्रा। देखो हमेशा क्या होता है, री के अंदर ये वाला होता है, असंस्कृत के अंदर री और इसमें भी एक बड़ी री होती है, इसको इसमें दो आ री री ए आई ओ और आउट। तो 13 होते हैं, इसमें क से लेकर य तक में 13 होते हैं, सॉरी 33 होते हैं, और इसके नयोग के अंदर अंग और अह दो होते हैं। तो ऐसे स्वर, ऐसे वर्ण जो क्या होते हैं, ना तो स्वर में स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं। ऐसे स्वर जो ना तो स्वर होते हैं ना व्यंजन होते हैं, वह सिर्फ क्या होते हैं, वर्णमाला ऐसे ही चलते हैं, परंतु तो उसको जोड़ा नहीं जाता, ना तो उसको स्वरों में जोड़ा जाता है ना व्यंजनों में जोड़ा जाता है। फिर भी वर्णों का प्रयोग हम करते हैं, वह है अंग मतलब अनुस्वर, अंग मतलब विसर्ग। विसर्ग जैसे अपन किसी भी वर्ड के लिए जैसे अपन लिखते हैं नाम, ये क्या लग गया, विसर्ग लग गया, क्या ये विसर्ग है। अब यहाँ पे बताया गया कि तीन, अब देखो स्वर व्यंजन उसके अंतर्गत बताया गया, देखो मैं आगे करेंगे। यहाँ पे स्वर, स्वर में स्वर किसे कहते हैं, यहाँ पे अपन लिखेंगे स्वर। जिन वर्णों को, जिन वर्णों को बोलने में, जिन वर्णों को बोलने में अन्य वर्ण की, अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े, न लेनी पड़े, उन्हें स्वर कहते हैं। और व्यंजन की परिभाषा में क्या अर्थ करेंगे, एक शब्द जोड़े की सिर्फ सहायता, ना की जगह ना को हटा देंगे तो क्या बन जाएगी, व्यंजन की परिभाषा, क्या बन जाएगी, व्यंजन की। तो व्यंजन की परिभाषा में जिन वर्णों को बोलने में अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़े उन्हें व्यंजन कहते हैं। अगर इसको अपन लिखी में क्या लिखेंगे, जिन वर्णों को
सहायता लेनी पड़े। इसकी परिभाषा लिखेंगे हम प्रयोग का कि ऐसे वर्ण जिनका जो न तो व्यंजन होते हैं न स्वर होते हैं, फिर भी उनका प्रयोग भाषा में होता रहता है। ऐसे वर्ण जिनका प्रयोग न तो स्वर में होता है न व्यंजन में होता है, फिर भी इनको भाषा में प्रयोग करते हैं, उन्हें कहते हैं अपन अयोगा। अयोगा में अंग और अह होते हैं, जो अंग अनुस्वार में प्रयुक्त हो जाता है और इस अनुस्वार को अपन या तो अपन इस अनुसार प्रयोग करते हैं या अपन म के हलन के रूप में इसको दर्शाते हैं और इसको अपन विसर्ग के रूप में प्रकट करते हैं। तो आज अपन इतना ही पढ़ेंगे, तो पहले अपन इसकी परिभाषाएं याद करेंगे। आज हम वैसे भी आपको बहुत डाला था, उसमें लिखा था वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्ण किसे कहते हैं? स्वर किसे कहते हैं? व्यंजन किसे कहते हैं? वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण की कितनी संख्या होती है? अयोगवा किसे कहते हैं? अयोगवा कौन कौन से वर्ण होते हैं? तो ये सारे जो है वो अपन इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। तो अभी तो आपको ये याद करना है, उसके अलावा यहाँ पे दिया हुआ है कि जैसे स्वर में हलंत नहीं लगता, हलंत नहीं लगता क्योंकि क्या है, अपने आप में पूर्ण है। जैसे क ख ग, ये क्या हो गए? व्यंजन हमेशा क्या होता है? आधा होता है। क्यों होता है? क्योंकि अगर क के अंदर क आधा इसके अंदर क लिखेंगे तभी ये क्या बनेगा? पूरा क बनेगा, क्योंकि क में किसकी ध्वनि आती है? अ की ध्वनि आती है, इसलिए क आधा है। क के अंदर अगर अ जुड़ जाता है तो पूरा क बनता है। तो व्यंजन हमेशा अधूरे होते हैं, इसलिए हमें इसमें हमेशा क्या लगाते हैं? हलंत लगाते हैं। ग ख और ग स्वर अपने आप में पूर्ण होते हैं, इसमें किसी प्रकार का अलंक नहीं लगता है। व्यंजन में हमेशा अपन लिखते हुए क्या लगाते हैं? अलंक लगाते हैं। और अगर इसमें स्वर जुड़ जाता है उसमें ग बन जाता है। उसी प्रकार ग के साथ ई की जुड़ता क्या बन जाता है? की बन जाता है। ग के साथ वी लगता है क्या बन जाता है? क्री। क्या बन जाएगा? क्री। तो आज अपन हम कितना पढ़ेंगे, इसके जो आगे का जो भाग है, जो अगला जो अयोगा अयोगा पूरी सारणी है, वो जो वर्णमाला की जो पूरी सारणी है वो ब्लैकबोर्ड पे अपन अगली बार पूरा लिखेंगे और उसको आराम से पढ़ेंगे। व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता से किया जाता है व्यंजन कहलाते हैं। संस्कृत भाषा में 33 व्यंजन होते हैं। तो स्वर क्या होता है? जिन वर्णों उच्चारण में बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से किया जाता है वे स्वर कहलाते हैं, यानी किसी की सहायता न लेनी पड़े वे स्वर होते हैं। स्वर अपने आप में पूर्ण होते हैं। स्वरों की संख्या 13 होती है। तो कोई पूछ ले कि स्वर किसे कहते हैं, तो जिन वर्णों को उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े तो वे स्वर कहलाते हैं। स्वर कुल मिला के 13 होते हैं, जो अ से लेकर औ तक होते हैं। उसी प्रकार व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है तो वे व्यंजन कहलाते हैं। और संस्कृत में कितने होते हैं? 33 व्यंजन। ये सारे आधे वर्ण हैं। क के नीचे हलंत, ख के नीचे हलंत, ये देखो स्वरों के नीचे एक ही भी हलंत लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ, क्योंकि अपने आप में पूर्ण है। और ये सारे व्यंजन हैं, सारे व्यंजनों के नीचे हलंत लगा हुआ है, ये सब आधे हैं, सब आधे हैं।
और आधे होने के कारण इनके नीचे हलंत लगाएंगे और जब जो आपको इसके अंदर स्वर आके मिल जाएंगे तो ये अपने आप में पूर्ण बन जाएंगे। अब देखो क ख ग ग र क वर्ग, इसको क्या बोलते हैं क वर्ग, च छ ज ज न च वर्ग, ट ठ ड ढ न ट वर्ग, त थ द ध न त वर्ग, और प फ ब ब म प वर्ग। ये कुल कितने होते हैं? ये कुल 25 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 25 वर्ण होते हैं। देखो 1 2 3 4 5, तो 5 5 5 लाइनों में आएंगे तो कितने हो जाएंगे? 25 हो जाएंगे। तो अपन स्पर्श व्यंजन कितने हैं? स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं। उसके बाद य र ल व अंतस्थ, जो अंदर से आवाज़ आती है उसको बोलते हैं अंतस्थ। श श श ह, इसमें सामान्य वर्ण से दुगनी ऊर्जा लगती है, दुगनी जोर लगा के बोलते हैं, दुगनी शक्ति लगती है, इसलिए बोलते हैं इसको उष्म व्यंजन। और लास्ट में दिया हुआ है संयुक्त वर्ण श त ज्ञ और ये दो वर्णों से मिलके बना, यानी क और श से मिला शक, त और द से बना है त, ज और न से बना है ण, श और द से बना है स्र, तो ये संयुक्त व्यंजन है। तो अब यहाँ पे एक दिया हुआ है अयोगवाह, जो वर्ण न तो स्वर होते हैं न ही व्यंजन, तथापि उनका प्रयोग भाषा में प्राय होता रहता है, उन्हें अयोगवाह कहा जाता है। इन्हें सदा चिन्हों से प्रकट करते हैं, इनकी दो है, इनको हमेशा क्या करते हैं? चिन्ह के माध्यम से, जैसे अनुस्वार है अंग, अंग अंग को क्या बोलेंगे? अनुस्वार, और अह को बोलेंगे विसर्ग। जैसे यहाँ लिखा हुआ है अंग को ये चिन्ह होता है और ये अनुस्वार है, अंग में ये विसर्ग है, ये बिंदियाँ इसको क्या बोलते हैं? विसर्ग, इसको विसर्ग के रूप में। तो अयोगवाह क्या है? जो वहाँ व्यंजन होते हैं न स्वर होते हैं, फिर भी उनका भाषा में प्रयोग होता रहता है और इनको हमेशा चिन्हों के माध्यम से प्रकट करते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, तो अंग और अह। तो इसके आगे का जो भाग है अपन अगली बार, जो मात्रायुक्त शब्द हैं वो अपन अगली बार पढ़ेंगे। आपको सिर्फ होमवर्क के अंदर क्या करना है, इसके जो संबंधित जो अभ्यास प्रश्न मैं आपको डालूँगी, जो लिख कर आपको मैं भेजूँगी, वही आपको होमवर्क में करने। इसके जो आगे का जो भागला भाग है वो अपन अगली बार पढ़ेंगे।